इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का एडोबी इलस्ट्रेटर का इंट्रोडक्शन सेशन है। अभी हम यहाँ ब्रश और स्ट्रोक से मुतालिक जो हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर उनका एक मुख्तसर सा जायजा लेंगे। वर्किंग एरिया को ड्रैग करने के लिए कोई भी टूल आपने सिलेक्ट किया हुआ है, स्पेस बार को प्रेस करने से आप देख रहे हैं कि आपका हैंड टूल खुद से सिलेक्ट हो जाता है, आप वर्किंग एरिया को ऊपर या नीचे ड्रैग कर सकते हैं जैसे भी आपकी जरूरत हो। वर्किंग एरिया को थोड़ा सा ड्रैग किया, सबसे पहले हम लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं। लाइन हमने सिलेक्ट की, कोई भी स्ट्रोक ड्रॉ करने से पहले, कोई भी लाइन ड्रॉ करने से पहले आप ये देख लेते हैं कि आपके कलर्स क्या सिलेक्ट हुए हैं। इस वक्त आप देखिए कि लाइन हमने सिलेक्ट की है, लाइन हमने ड्रॉ की है, लेकिन आप देखिए कि जिस वक्त मैं लाइन की सिलेक्शन खत्म करते हैं तो यहाँ कोई भी लाइन अपीयर नहीं हुई भी। इसकी क्या वजह, आप देखिए कि लाइन इनफैक्ट यहाँ मौजूद है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही, उसकी वजह है कि स्ट्रोक का कोई भी कलर यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा। इसके लिए जरूरी है कि हम स्ट्रोक का कोई कलर अप्लाई करें, हम स्ट्रोक का कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कि अब सिलेक्शन खत्म करते हैं तो हमें एक लाइन यहाँ नजर आ रही है। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो ब्रश की जो ऑप्शन है, ब्रश के स्ट्रोक्स अवेलेबल हैं यहाँ, ये लाइन के ऊपर किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। अब देखिए कि हमने एक सिंपल लाइन ड्रॉ की है, कोई भी स्ट्रोक उस वक्त सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ था, लेकिन अब अगर हम कोई स्ट्रोक सिलेक्ट करते हैं, आप देखिए कि स्ट्रोक्स में से, स्ट्रोक की टाइप्स में से, जो आपके जो निप की टाइप्स हैं उनमें से या स्ट्रोक की जो टाइप्स हैं उनमें से कुछ स्ट्रोक सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए कि लाइन के ऊपर हमारा क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि रेड कलर है इसे हम देख रहे हैं कि रेड कलर का स्ट्रोक अप्लाई हो गया। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि इसकी डिटेल को हम देख सकें। लाइन क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं की हुई इसलिए स्ट्रोक इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। लाइन सेलेक्ट की, कोई भी ऑप्शन अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ हो। स्ट्रोक आप देखिए रेड कलर है इसलिए रेड का शेड इसके अंदर स्ट्रोक के लिहाज से आया, थोड़ा सा लाइट कलर का स्ट्रोक है कि रेड का लाइट कलर खुद से बन गया इसके ऊपर। ये डार्क है, देखिए कि ये लाइट है, इसके अंदर भी डार्क और लाइट का स्ट्रोक्स आपके पास यहाँ अवेलेबल है। थोड़ा सा और नीचे जाए आप देखिए कि स्ट्रोक्स की एक लाइब्रेरी यहाँ ओपन थी, उसकी वजह से वो स्ट्रोक्स भी यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। इनको किस तरीके से अप्रोच करना है ये भी हम देखते हैं। वर्किंग एरिया को हम थोड़ा सा पीछे जूम आउट किया हमने, ड्रैग करके सेंटर में लाए, लाइन को सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। अब हम अपने ब्रश के स्ट्रोक के साथ स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। आप देखिए कि जो उनका स्ट्रोक हमने सिलेक्ट किया हुआ था वो स्ट्रोक खुद से अप्लाई होगा। अगर सिलेक्शन ली हुई है, आप स्ट्रोक चेंज करना चाहते हैं, आप स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं। नया स्ट्रोक लगाया आपने, उसको चेंज कर दिया, जब तक पहले वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा। उसको सिलेक्ट करके अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक वो स्ट्रोक इस पर अप्लाई हो जाएगा। इनको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी आप देखिए कि कोई भी शेप अगर हमने ड्रॉ की है, हम यहाँ से एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेते हैं। पॉलीगॉन हमने ड्रॉ की, स्ट्रोक इस पर भी उसी तरह से अप्लाई होगा। स्ट्रोक का साइज आप यहां से कंट्रोल करते हैं, स्ट्रोक साइज आप देखिए कि 1 पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, 3 पॉइंट कर लें, स्ट्रोक ज्यादा हो गया। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से आप इसको अप्लाई करेंगे। फिलहाल हम इसको कम पर ही रहने देते हैं, 1 पॉइंट ही ठीक है, ताकि हमें डिटेल नजर आ जाए इसकी। जो स्ट्रोक की लाइब्रेरी हमने ओपन की, आप देखिए कि हमने सिंपल एक स्ट्रोक इस पॉलीगॉन के ऊपर अप्लाई किया, लेकिन एक बना बनाया डिजाइन आपके सामने यहाँ अपीयर हो गया है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, हम एक स्टार ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्ट्रोक इस पर अप्लाई करेंगे, अब देखिए कि स्ट्रोक अप्लाई करने से स्ट्रेट अवे एक मुकम्मल डिजाइन आपके सामने आ जाता है, जिसको आप अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रोक्स को आप जितना भी इस्तेमाल करके देखें आपको नई से नई चीजें इसके अंदर मिलेंगी। मजीद टाइम हम इस पर नहीं लगाएंगे सेशन के अंदर, आपने खुद से देखना है। सिर्फ एक अहम चीज आपको यहां बता दें, आप देखिए कि हम सिंपल शेप ड्रॉ की, फिल कलर हमने इसको दिया, बिकॉज हमने इसको ग्रीन फिल कलर दे दिया है। स्ट्रोक इसका रेड है लेकिन स्ट्रोक का साइज कम है इसलिए आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा, 1 पॉइंट है। अगर हम 5 करते हैं आप देखें कि स्ट्रोक मोटा हो गया, इसको हम दोबारा से 1 पॉइंट पे कर ले। सर आपको दिखाने के लिए किया, हम इस पर कोई स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। आप देखिए फिल कलर को थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि हमें नजर आ जाए कि क्या डिजाइन बना। आप देखिए कि ये स्ट्रोक इसके कॉर्नर पे अप्लाई हो गया, एक फ्रेम आपके सामने बना हुआ आ गया। डिजाइन चेंज करते हैं, इसको आप बहुत आसानी के साथ अपने डिजाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मजीद स्ट्रोक्स कहाँ से आएंगे इसको देखने के लिए, आप देखिए कि यहाँ से हमने ये लेफ्ट साइड पे एक एरो पॉइंट हो रहा है, इसको हमने क्लिक किया है, ओपन ब्रश लाइब्रेरीज। तो ब्रश के मजीद स्ट्रोक्स की एक बड़ी लाइब्रेरी आपके पास एडोबी इलस्ट्रेटर सीएस में मौजूद है। इसको क्लिक करके आप जो सी भी लाइब्रेरी ओपन करना चाहें जिसको भी आप क्लिक करेंगे वो लाइब्रेरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर हम देखेंगे, हम यहाँ से फूड की लाइब्रेरी को ओपन कर देंगे, फूड से मुतालिक क्या स्ट्रोक्स हमें ब्रश के अवेलेबल है। क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम इसने लिया ओपन करने के लिए, स्ट्रोक्स की लाइब्रेरी ओपन होगी। अभी देखिए कि ये फूड से रिलेटेड स्ट्रोक्स हैं, इसमें कुछ आइसक्रीम हमें नजर आ रही हैं, हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं, क्योंकि
हॉरिजॉन्टल हुई हुई है, इसलिए आप देखेंगे कौन आइसक्रीम हमें यहाँ से नजर आ रही है, इसको ही हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम ये आइसक्रीम का स्ट्रोक अप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए कि हमारी कौन आइसक्रीम पूरी इसके गिर्द जो है वो उसके स्ट्रोक के साथ अप्लाई होगी। ऑब्वियसली इतना मुनासिब हमें ग्रुप नहीं लग रहा, इसलिए हम कोई दूसरी लाइब्रेरी ओपन करके देखते हैं। आर्टिस्टिक इंक की लाइब्रेरी हम ओपन करके देखते हैं, इसमें हमें क्या अवेलेबल है। ऑलमोस्ट वही हमारी जो पहले स्ट्रोक्स अवेलेबल थे हमें वही वाले अवेलेबल हैं, कुछ नए स्ट्रोक्स आए हैं। ठीक है, क्योंकि कलर हमारा रेड है इसलिए यहाँ ब्लैक है लेकिन यहाँ रेड अप्लाई होगा, जहां ग्रे होगा वहां लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन खुद से बनेगा। देखिए ये स्ट्रोक हम पहले से देख चुके हैं अप्लाई करके, स्ट्रोक की टाइप्स हैं। अब देखिए कि नहायत आसानी के साथ सिर्फ स्ट्रोक की लाइब्रेरी को अप्रोच करके आप किसी भी किस्म की लाइब्रेरी को ओपन करके उसके स्ट्रोक्स को अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट बहुत कम वक्त के अंदर अपने डिजाइन के लिए हासिल कर सकते हैं।